नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। तुर्की से एक बड़ी घटना सामने आई है। उत्तरी तुर्की में एक कोयला खदान में विस्फोट की खबर है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसमें 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस समय यह ब्लास्ट हुआ, उस समय कोयला खदान में तकरीबन 110 लोग काम कर रहे थे। ब्लास्ट के बाद कई लोगों के खदान में फंसे होने की खबर है। ज्यादातर मजदूर बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन 49 लोग अधिक जोखिम वाले क्षेत्र में फंस गए। उन 49 में से कुछ को सुरक्षित बाहर निकाल लेने की खबर है, जिनमें से 8 लोगों की हालत गंभीर है। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री ने मौतों की पुष्टि करते हुए कहा है कि उत्तरी तुर्की में एक कोयला खदान के अंदर विस्फोट में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि बचाव दल खदान के अंदर फंसे दर्जनों अन्य लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। विस्फोट शुक्रवार को कालासागर तटीय प्रांत बार्टिन के अमासरा शहर में सरकारी टीटी के अमासरा मुसेसे मुदुरलुगु खदान में हुआ। तुर्की के ऊर्जा मंत्री फातिह डोनमेज ने कहा कि शुरुआती आकलन से संकेत मिलता है कि विस्फोट संभवतः फायर एम्प की वजह से हुआ है। वहीं तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी AFAD ने बताया कि मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। खदान में फंसे लोगों को निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। AFAD ने कहा कि पड़ोसी प्रांतों सहित क्षेत्र में कई बचाव दल भेजे गए हैं। विस्फोट के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगन ने कहा है कि वो आज होने वाले अपने सभी कार्यक्रम रद्द करते हुए दुर्घटना स्थल पहुंच रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि खदान में फंसे लोगों को जिंदा निकाला जाएगा और मृतकों की संख्या में इजाफा नहीं होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि इसके सभी प्रयास किए जा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।